दोस्तों स्वागत है आपका ट्रैवल सिंह की एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास क्रिस्टा आ रखी है, बात करेंगे भैया से क्रिस्टा का कौन सा मॉडल रहने वाले और गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। और हमारा रखे जे ऑटो जो कि करोल बाग में पड़ता है, एक बार आपको शॉप का बोर्ड दिखाता हूँ फिर गाड़ी के पास लेके चलते हैं। यहाँ पे आ रखे हम जे ऑटो, अब मैं आपको एक बार गाड़ी का काम दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है गाड़ी में। तो बेसिकली अपना जी वेरिएंट रहने वाले भैया, हाँ 2.4 जी मॉडल रहने वाले। तो सबसे पहले बैक साइड की बात करें तो अपने रिफ्लेक्टर लगे, जैसे आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर, इसमें पार्किंग विद ब्रेक है, ठीक है, प्लस अपने रियर गार्ड, ठीक है। तो मतलब इंडिकेटर भी चलने वाले इसमें? नहीं इंडिकेटर नहीं है। अच्छा, नॉर्मल ब्रेक लाइट वाले। बाकी ये देख सकते हो जैसे रियर गार्ड भी लगा है। थोड़ा सा आपको पीछे से दिखाता हूँ, कम्प्लीट व्यू दिखाता हूँ आपको, इस टाइप का रहने वाले पीछे का, ठीक है। तो ये देख लो कि कैमरा लगे, नाइट विजन है भैया, ये नाइट विजन HD है, प्रॉपर OM लुक है, ठीक है। एक बम्पर में होल होकर यहाँ पे लग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो वाली चीज नहीं है, यूनिवर्सल शेप होता है हमारे प्रॉपर अपना, ठीक है। जैसे अभी देख सकते हो आउटपुट दिखाएंगे अभी, बाकी इस टाइप की पीछे की लुक रहने वाली अपनी गाड़ी की। बात करते तो भैया डुअल टोन भी किया गया गाड़ी को, छत से मैट फिनिश की गई है पूरी विनाइल, प्रॉपर बहुत अच्छे तरह से काम हुआ है, प्रॉपर दिखाऊंगा आपको, बहुत ही सफाई के साथ काम हुआ है, आप पूरा देख सकते हो उसके। उसके बाद ये बात करते हैं अपने वॉइसर लगे हैं विथ क्रोम फिनिश रहने वाली है, टोयोटा की ब्रांडिंग हो रखी है इस पर। थोड़ा सा फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये चीज़ बड़ी खास रहने वाली गाड़ी में भैया, ये क्या कहते हैं जो अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं? हेड लाइट जैसे क्रोम की कवर होता है ना, वैसे ब्लैक कवर के साथ ब्यूटी आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली अपनी ब्लैक ब्यूटी रहने वाली है, नाइट में बहुत बढ़िया क्रोम आता है, ठीक है। तो नाइट में बहुत बढ़िया लुक आ रही है। उसके अलावा ये चीज़ अच्छा, ये इसी के साथ है पूरा, इसी के साथ इनबिल्ट होता है, ठीक है। ये लाइट जल रही है ना इसमें? हाँ पार्किंग के साथ है, पार्किंग के साथ है भैया। एक बार बंद करके दिखाना, फिर दोबारा जला के दिखाना, तो एक बार हमको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। ये देखो दिखाना, जलाना भैया। तो ये भाई नाइट में ना बड़ा बहुत बढ़िया लुक आने वाला है इसका। तो बेसिकली अपनी लाइट पे कुछ काम नहीं हुआ, ये जो बाहर अपना ये नीचे काम हुआ जिसमें अपना DRL लगा है, ठीक है। और ये RTH के प्रोजेक्टर है जिसमें अपना क्रिस्टल HID है, ठीक है। और ये अपना साथ में एक क्रोम का क्रोम लगा हुआ है, दिखाते हैं आपको, ये देख लो। अच्छा ये नॉर्मल DRL विदाउट इंडिकेटर है, बाकी ये इस तरह का रहे, बाकी ये क्रोम का फिनिश रहने वाला है इस पर। थोड़ा सा आगे से पूरा प्रोफाइल दिखाते हैं गाड़ी का, किस टाइप का लुक रहने वाला है, आप देख सकते हो इस टाइप की लुक रहने वाली गाड़ी। तो ये कंपनी से हो रखा है, अदरवाइज यहाँ भी हमारे यहाँ हो सकता है रैपिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भैया ने कंपनी से करा रखा है, ये जो ब्लैक फिनिश है, अदरवाइज आप यहाँ से भी करवा सकते हो, जो है ये ग्लॉसी फिनिश है, मैट फिनिश में भी हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो गाड़ी की इस टाइप की लुक रहने वाली है। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ पीछे से, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ, तो लुक देख लो भाई, बहुत A1 लुक आ रही गाड़ी की। इस साइड एक कवर लगा है सो दैट कि भाई ये थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, कि भाई साइड से अगर लाइट वगैरह टकराए ना, तो एक तरह से जैसे हमारे डोर गार्ड रहते हैं उसी तरह से जो है साइड कर्वे मिरर गार्ड कहते हैं इसको, वो चीज़ लगा रखी है। इंटीरियर की बात करते देख सकते हैं अपने इनोवा क्रिस्टा की ब्रांडिंग हो रखी है, वेलकम लाइट लगी इस पर। उसके अलावा अगर हम ये बात करते हैं तो अपना डोर साइड पर जो है लेदर PU का काम हो रखा है, जैसे आप देख सकते हो माइनर साइज इसको कहते हैं, एक हल्का सा इंटीरियर मेरे चेंज हुआ है वो अपने डोर्स पैनल की साइड हुआ है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो सीट कवर वगैरह प्रॉपर बने हैं, प्रॉपर बकेट फिटिंग रहने वाली है, देख सकते हो प्रॉपर देखो। उसी के अलावा जो आर्मरेस्ट आता है कंपनी से आता है, उस पर जो है हमने कवर चढ़ा रखा है, ये देख सकते हो प्रॉपर A1 काम हुआ है। पीछे की बात करें तो आप देख सकते हो सीट कवर, देख सकते हो आप प्रॉपर बकेट फिटिंग हो रखी है। बाकी मैट्स की बात करते हैं तो अपनी गाड़ी में फ्लोरिंग नहीं हो रखी, 70 मैट इंस्टॉल करवाए हैं तो सेमी रिस्पॉन्स है, बिकॉज अगर आप फ्लोरिंग नहीं करवाते टाइम शॉर्टेज है तो आप 70 मैट डलवा सकते हो गाड़ी में, जो है इस टाइप की लुक कवरेज रहती है, प्लस इस टाइप की जो है थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलता है, ड्राई क्लीन वगैरह से आपकी गाड़ी बच जाती है। बाकी इस टाइप का सारा फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा जो है हम बैक साइड पर चलते हैं, बैक साइड का भी दिखाता हूँ आपको क्या रहने वाला है लुक वगैरह। जैसे कि बात करते हो आप ये देख सकते हो आप इधर भी डोर पैनल पर जो है वो मैंने दिखाया, आगे वहीं अपना काम पीछे हुआ है। इधर भी 70 मैट वगैरह आप देख सकते हो प्रॉपरली, सीट कवर वगैरह जैसे आप देख सकते हो प्रॉपरली, ये देखो बकेट फिटिंग रहने वाली है, देख लो प्रॉपर अच्छा फिनिशिंग वाला तसल्ली से काम हुआ है, ये पीछे भी आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं एक बार बैठ के आपको रिस्पॉन्स देता हूँ, जैसे आप देख रहे हो मैं सीट पे बैठा हूँ और कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरह से बकेट फिटिंग वगैरह हो रखी है, तो बाकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, फिनिशिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, A1 काम हो रखा है तो दिक्कत कोई नहीं है। बाकी थोड़ा सा गाड़ी का 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं और कस्टमर से फीडबैक लेते हैं क्या कहना है उनका काम के बारे में। रिस्पॉन्स दिखाते हैं जो अपना बैक कैमरा लगा है, सर एक बार थोड़ा बैक गियर लगा के दिखाना,
तो जैसे आप देख सकते हो इस तरह का आउटपुट रहने वाला है, बिल्कुल क्लियर विजन है प्रॉपरली। थोड़ा सा मैं लाइट बंद कर देता हूँ, आप ये देख सकते हो प्रॉपरली क्लियर विजन आ रही है और कोई बटन वगैरह दबाए, ओनली बैक गियर डाले और गाड़ी को जो है ईजिली, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होता है स्पेशली दिल्ली ऐसी जगह में अच्छा खासा ट्रैफिक होता है, तो पूरे आपको गाइडेंस मिल जाती है, तो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और रिकमेंडेड आइटम है, मैं कहता हूँ भाई नॉमिनल कॉस्ट में ये चीज़ लगवाओ, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो बाकी सारा काम मैंने आगे दिखा दिया, एक बार फीडबैक लेते हैं सर से, क्या कहना उनका काम के बारे में। तो सर आए आज हमारे पास क्रिस्टा लेके, जो भी है मैंने आपको गाड़ी का काम दिखाया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थो है। पार्थो जी आए आज हमारे पास स्पेशल। भैया कहाँ से हैं सर आप? मैं पथड़गंज से। पड़पड़गंज से हैं, तो आज हमारे पास आए स्पेशल। तो सर क्या कहना है आपका काम के बारे में? सबसे पहले जो सीट कवर है क्या कम्फर्टेबल है जो प्रॉपरली? और बात करते हैं तो सर क्या कहना है काम के बारे में, क्या फीडबैक है आपका? काम के बारे में लोग अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, वो आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपको गाड़ी के लिए सूट करता है। ठीक है, तो सर जैसे आप बात हुई थी, आपने वीडियो वगैरह देखा था उसके थ्रू आपको पता चला, तो जो आपने वीडियो में देखा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसी के हिसाब से काम हुआ या कुछ कम? उसी के हिसाब से हुआ है, और जबकि वीडियो में ये बताया भी गया था कि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब मैं आया हूँ यहाँ पे, जैसे ये कैमरा है फॉर एग्जांपल, ये मुझे कंपनी शोरूम से ऑलमोस्ट 1/3 से नीचे कॉस्ट पे पड़ा है। मतलब आपका कॉस्ट नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे, सब आएंगे अपना भैया अपना डिस्काउंट कर, मतलब आपको मतलब ऑलमोस्ट 70-75% कॉस्ट बच गई एक नॉमिनल सी चीज़ में। बाकी आप ओवरऑल अंदाज़ा लगा सकते हो कितना आपको फायदा होने वाला अगर आराम से आप मोटा मोटा, मैंने जो सामान लगाया है मोटा मोटा आप समझ सकते हो कि 50% के आसपास तो आपका सेविंग होगा ही होगा, और आपको वही चीज़ लगा के देंगे जो आपकी गाड़ी के लिए अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, सब मिल के सब काम करते थे, टाइम भी लगता, 2-3 घंटे में निपटा देंगे आपको। एक गाड़ी पकड़ा तो उन्होंने गाड़ी खत्म करके छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि लोग कस्टमर लिए जा रहे हैं, एंड अच्छे हैं दो भैया लोग हैं। चलिए, बेसिकली वही है कि सेटिस्फेक्शन लेवल हाँ आपको 100% मिला है यहाँ पे। मैंने इनको फ़ोन करके एड्रेस लिया था। ठीक है, कि आपका कहाँ था, तो उन्होंने पहले आदमी भेजा। ठीक है, इस वक्त से इस वक्त तक प्रॉपरली, मतलब फ्रॉम ए टू जेड कैसे प्रॉपर आपको हेल्प किया, गाइड किया, हर एक चीज़ ठीक रही है। तो सर ये तो भेजा मुझे रोड से पिकअप करने के लिए, मैं तो जानता भी था करोल बाग में स्वागत आने और भी हैं, लेकिन भैया ने आदमी भेजा, पिकअप करवाया मुझे, गाड़ी काम करा के दिया। शायद मैं और भी कुछ लगाता लेकिन टाइम हो रहा था। चलिए अगली बार आऊँगा पक्का। चलिए मेन मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर एक बार आए, ट्राई करें। चलिए थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी बात और पूछना चाहेंगे कि कॉस्टिंग के बारे में, जो काम हुआ आपकी गाड़ी में हुआ, क्या कॉस्ट पड़ी आपको? मुझे टोटल 30,000 पड़ा। 30,000 में बहुत ही अच्छा, जो कहते हैं एक अच्छा काम हो गया आपकी गाड़ी में। आप 30-35,000 के रेंज में ना आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत अच्छी, मतलब जैसे देखा है मैंने आगे लाइट में भी जो चीज़ है बहुत बढ़िया उन्होंने ये चीज़ की है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ क्रिस्टा में ये चीज़ उन्होंने लाइट्स में आगे किया है, प्लस इंटीरियर का भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि भाई आपके डोर पैनल्स में सीट कवर साथ डोर पैनल पे भी काम हुआ है, तो एक नॉर्मल सी एक अच्छी जो कह रहे हैं डिसेंट मॉडिफिकेशन वो हुई है आपकी गाड़ी में। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।